स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का पर्यावरण पाठ 11 बाड़ी में। देखो बाड़ी क्या होती है बेटा, जहाँ पर एक ही फसल बहुत जगह पर होती है, पूरा बड़ा एक बाड़ा होता है, उसके अंदर एक तरह की फसल होती है। देखो जो आप यहाँ पर है, जैसे आम के पेड़ है। रतन चौथी कक्षा में पढ़ती है, कौन सी कक्षा में, चौथी। वह अपने दादाजी के साथ छुट्टियों में गाँव गई थी, और बाड़ियाँ सबसे ज़्यादा हमको कहाँ देखने को मिलती है, गाँव में। एक दिन सुबह दादाजी उसे लेकर बगिया में गए, बगिया मतलब बगीचा। दादाजी ने जब एक गाय भैंस और बैलों को चारा दिया, तब तक रतन बगिया के अंदर तक दौड़ती हुई पहुंच गई। उसने जब उसके दादाजी है ना, हम भी देखते हैं ना गांव में लोग गाय भैंस बकरी रखते, तो वो वहाँ गए तो उन्होंने क्या देखा, ये बगीचा देखा रतन ने, और वो यहाँ पर चली गई। बगिया में उसने विविध फूल सब्जियों के पौधे और लताएं देखी। देखो आप देखते हो ना कि बगीचे में अलग अलग तरह के फूल होते हैं, गांव वाले सब्जियां उगाते हैं ना, और लताएं जैसे दूधी वगैरह जो होती है वो लताओं पर होती है। उसने अनाज दलहन इत्यादि के पौधे व बड़े बड़े पेड़ भी देखे। उसने बड़े बड़े पेड़ देखे, पौधे देखे, अनाज देखा, दलहन मतलब दालें देखी। गमलों में उगते वो गुलाब तो कितने सुंदर है, वो बगीचे के अंदर हर तरह की चीज़ें थी। वहाँ पर गमलों में क्या थे, गुलाब थे, पता है लाल पीले और गुलाबी और सफ़ेद। एक गमले में तो बरगद भी था, देखो एक में लाल पीले गुलाबी और सफ़ेद रंग के फूल थे, दूसरे में बरगद भी था। वह तो यह सब देखकर दंग रह गई, दंग रहना मतलब आश्चर्यचकित होना। वह आँखें बंद करके अंदाज लगा रही थी कि आप किसी ऐसे ही स्थान पर है, सोचिए कैसा लगता है आपको, वहाँ कौन सा गीत गुनगुनाने का मन करेगा। ये क्या बोल रही, आँखें बंद करके वो गाना सोच रही थी, कहाँ पर, बगीचे में बगिया के अंदर खड़ी होकर। आपने किसी एक स्थान पर भांति भांति के फूल एक साथ खिले हुए देखे, हाँ कहाँ, हमने बगीचे में देखे, वहाँ पर एक साथ बहुत से अलग अलग रंग बिरंगे के और अलग अलग फूल होते हैं। आपने अलग अलग रंग के कितने फूल देखे, उनके रंगों के नाम तो आप देख सकते हो कि गुलाब, चमेली, चंपा, कमल, ये सब फूल देखे और उनके रंगों के आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। ऐसा ही एक सुंदर सा डिज़ाइन या नीचे बना, देखो आपके घर पर जो चादर होती है, होती है नहीं होती है, फूलदान होते हैं, चादर होते हैं, कपड़ों पर अलग अलग तरीके की क्या होती है, डिज़ाइंस होती है, वहाँ पर देखो अलग अलग तरीके के फूल बने होते हैं। यह कच्छ के लोगों द्वारा कढ़ाई करके तैयार किया हुआ चाकला का चित्र है, ये जो चित्र है उसका नाम क्या है, चाकला। इसमें फूलों को अन्य डिज़ाइन का बहुत महीन काम किया होता है, महीन मतलब बहुत बारीक काम। इसके अलावा पर्स, हैंडबैग, बगल थैले, झोले, तकिए के खोल इत्यादि पर भी ऐसी डिज़ाइन बनाई जाती है। देखो आपको ये डिज़ाइन बनाई जाती है, ये कढ़ाई करके मतलब धागों से कपड़े पर बुनाई की जाती है। इस प्रकार रतन ने अलग अलग तरीके के फूल देखे, उसी प्रकार आप भी देखे होंगे। और यहाँ फूलों के कुछ चित्र दिए गए, जिन फूलों को आप पहचानते हो उन पर सही का निशान लगाएं और उस फूल का नाम भी लिखना है, ठीक है। अब देखो आपने देख रखा होगा, जैसे ये गुलाब है, ये सूरजमुखी का फूल है, ठीक है, ये बारहमासी फूल है, तो ये अलग अलग तरीके के फूल है। तो इसमें से आपने जो फूल देखे हो उसके ऊपर आपको क्या करना है, सही का निशान लगाना और उसका नाम लिखना है। अब बाड़ी में विशेषता, फूल का नाम और फूल का नाम, जैसे पेड़ पर लगते हैं तो कैसे, बहुत से फूल होते हैं जो पेड़ पर लगते हैं उसका नाम, जैसे आम के पेड़ पर भी उसके छोटे छोटे फूल लगते हैं, फल बनते हैं। झाड़ियों पर लगते हैं तो एक साथ जो झुंड में लगते हैं, बेल पर तो जो बेल होते हैं उस पर लगते हैं फूल। पानी के पौधे खिलते हैं तो कौन, कमल, सिर्फ रात में खिलते हैं, दिन में खिलते हैं रात में बंद होते हैं। जो केवल खुशबू से पहचाने जाते हैं, जैसे गुलाब, उसकी खुशबू सब जगह होती है। जो साल भर खिलते हैं तो देखो ये रहा बारहमासी, जो साल भर खिलते हैं, जो केवल अमुक महीनों में ही खिलते हैं तो कुछ टाइम, जैसे आप देखते हो ये सफ़ेद जो आपको फूल दिखाई दे रहे हैं ये कुछ टाइम पर ही खिलते हैं। देखो ये झाड़ी पर खिलते हैं, ये देखो झाड़ी पर खिलने वाले फूल है, ये गुलाब है, फिर ये सूरजमुखी जो होता है उसके पेड़ पर होते हैं। तो ये सारे आपको लिखना और उसकी विशेषता यहाँ पर लिखनी है। ऐसा क्यों, फूल तोड़ना मना है, वहाँ एक बोर्ड है, आप भी देखते हो ना बगीचे में एक बोर्ड होता है जहाँ लिखा होता है फूल तोड़ना मना है। आपने इस तरह की तख्ती कहीं लगी देखी है, हाँ कहाँ, बगीचे में। क्या तख्ती लगी होने के बावजूद भी लोग फूल तोड़ते हैं, हाँ लोग फूल तोड़ते हैं। अगर सभी लोग फूल तोड़ने लगे तो क्या होगा, देखो यदि सभी लोग फूल तोड़ने लगेंगे तो वहाँ पर कोई भी फूल नहीं बचेगा। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए, नहीं, उन्हें फूल नहीं तोड़ना चाहिए।
आइए पास में देखे, किसी बाग में जाइए, वहां से गिरे हुए कुछ फूल लेकर आइए। गिरे हुए ठीक है, तोड़ने नहीं है, फूल को ध्यान से देखिए और बताइए फूल किस रंग का है। तो अगर गुलाब का है तो लाल, उस पर खुशबू कैसी है तो गुलाब की खुशबू आ रही। इसका आकार कैसा है, घंटी कटोरे ब्रश या कुछ, तो आपने देखते हैं गुलाब कैसा होता है, कटोरी टाइप होता है मस्त अंदर अंदर। क्या यह फूल गुच्छे में होते हैं, नहीं अलग अलग होते हैं। इसमें कितनी पंखुड़ियाँ होती है, तो आपको अलग अलग करके लिखनी होती है। हरे पत्ते का कोई भाग होता है, तो हाँ जो देखो यहाँ पर आपको गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है ये उसकी पंखुड़ियाँ हैं। उसके नीचे आपको दिखाई देता है ना आपने गुलाब देखा, हरे कलर के भी कुछ पत्तियाँ होती है ना, तो हरे रंग की पंखुड़ियाँ भी होती है इनमें। इनके अंदर मध्य भाग कैसा दिखाई देता है, किस रंग का होता है, तो कुछ गुलाब के अंदर वो पीले कलर का होता है, किस में लाल कलर का होता है। तो ये सब आपको क्या करना है, इसमें भरना है एक फूल लाकर। अब है खिलती कलियाँ। अब फूल देखो डाई, यहाँ पर आपको गुलाब की कली बताई, फूल तुरंत नहीं खिलते, पहले क्या होता है फूल में से कलियाँ बनती है। कलियाँ बनने के बाद क्या होता है, उसके अंदर से क्या निकलता है, हमारे फूल बनता है। आपने पौधे पर खिली हुई कली देखी होगी, अपने आसपास पर जाने वाले फूल के पौधों की कलियों का अवलोकन कीजिए। आपको कली और फूल में क्या अंतर दिखाई देता है, देखो कली में क्या होता है बेटा कि वो पूरा बंद होता है, जैसे ये मेरा ये समझ लो ये कली, कली में क्या होता है वो पूरा बंद रहता है, लेकिन फूल क्या होता है ऐसे खिला हुआ होता है। आपने गुलाब की कली देखी है ना, कैसी होती है, एकदम ऐसी बनी हुई होती है। गुलाब की कली देखो मैं आपको बना के बता दे, जैसे ये है ये गुलाब की कली है, ये उसके बाहर के हरे पत्ते, तो कली ऐसी होती है। लेकिन गुलाब का फूल जब बन जाता है पूरा, तो वो कुछ इस तरह से हो जाता है, ऐसा पूरा खुल जाता है गुलाब का पौधा। तो कली और गुलाब में यही अंतर होता है। किस एक पौधे पर लगी कली चुनिए, उसे ध्यान से देखिए। तो अब आपके घर के आसपास उस कली को आपको ढूंढना है कि वो कब कली बनी, उसकी तारीख लिखनी है। कब वो फूल बनता है उसकी आपको तारीख लिखनी है, कितने दिन में बनता है उसकी तारीख आपको लिखनी है। जैसे कोई गुलाब की कली है वो 5 दिन में खिल जाएगी, ऐसे तो वो तारीख आपको लिखनी है। अब फूल के क्या क्या उपयोग होते हैं, तो फूल का उपयोग उसके उदाहरण अन्य उदाहरण, जैसे खुराक के रूप में, तो गुलकंद जो होता है बेटा गुलाब के फूलों से बनता है, उसको हम क्या करते हैं खुराक के रूप में, मतलब खाने में लेते हैं। गुलाब जल जो गुलाब के जो होता है पौधे उनके उनको करके गुलाब जल बनाया जाता है, वो दवाइयों के रूप में, जैसे आपको बताते हैं कि स्किन के अंदर मतलब त्वचा संबंधी कोई रोग हो तो भी हम गुलाब जल का उपयोग करते हैं। टैसू रंग बनाने के लिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम क्या करते हैं कलर बनाने में करते हैं, गीतों में, जैसे पर्वत तेरा चौड़ा कंधा, फूल का रंग सुगंध तेरा सौगा, तो इन फूलों का उपयोग हम गीतों के अंदर करते हैं। गुलाब का हम सुशोभन में करते हैं, पूजा में हम गुलाब का फूल है ना, गुलाब है, फिर मोगरा है ना, ऐसे बहुत से फूलों का उपयोग करते हैं। सुगंधित द्रव्य इत्र बनाने में भी हम गुलाब का और इन सब का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, अब आप समझ गए होंगे कि फूलों में कितने उपयोग होते हैं। अब तो कई स्थानों पर फूलों की खेती भी की जाती है। अनुमान लगाइए मीलों तक फैले हुए फूलों के लहलहाते खेत कितना सुंदर दृश्य। आप देखते हो कि ये सारे फूल कहाँ से आते हैं, तो ये सारे फूलों की क्या की जाती है, खेती की जाती है। क्या की जाती है, खेती की जाती है। आइए कुछ और जाने, क्या आपने किसी फूल वाले को देखा है, यदि आपके आसपास कोई फूल बेचता हो तो उससे प्रश्न पूछिए वे कौन कौन से फूल बेचते। तो आप देखो ज़्यादातर लोग गुलाब के मोगरे के है ना ये सारे फूल बेचते हैं। ये फूल वो कहाँ से लाते हैं, तो ये फूल वो कहाँ से लाते हैं, बगीचे में से, फूलों के बागों में से। कहाँ से लाते हैं, फूलों के बागों में से। लोग फूल क्यों खरीदते हैं, लोग फूल पूजा करने के लिए, घर को सजाने के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए हम फूलों को खरीदते हैं। फूल वाला फूल किस रूप में बेचता है, चित्र में देखते हुए फूल के रूप में सामग्री पर निशान लगाइए। अब देखो हाँ माला के रूप में भी बेचता है, गुलदस्ते के रूप में भी बेचता है, इस तरह से भी बेचता है, ये गुलदस्ता बना के भी बेचता है, और ऐसे भी बेचता है, रंगोली तो हम बनाते, बाकी इन सब के रूप में क्या करता है फूल वाला फूल को बेचता है। इसके अलावा आपने फूल का अन्य रूप देखा है, हाँ हमने बहुत सारे फूल के अन्य रूप देखे हैं। अब है आपको अलग अलग रूपों में फूलों के दाम पता करके लिखिए। अब आपको एक फूल का दाम, एक माला का, एक गुलदस्ता, तो देखो एक फूल का दाम आपको 1 रुपये में पड़ जाएगा, एक माला आपको 10 रुपये, 20 रुपये, एक गुलदस्ता है आपको 50 रुपये तक पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको इसके अंदर लिखना है।
आइए यह करें। चार पांच मित्रों का समूह बनाकर क्रियाकलाप करना, मतलब आप चार पांच लोग इकट्ठे हो जाए, पौधों से घिरे हुए फूलों को इकट्ठा करना है। उन फूलों को अखबार के पन्नों के बीच में फैलाकर रखें। अब हर परत के फूल को ऐसे रखें कि वे एक दूसरे से चिपके नहीं। अब अखबार को किसी भारी चीज से आप दबा दो तो कुछ समय बाद क्या होगी, वो पत्ती है ना उस अखबार पर क्या हो जाएगी, छप जाएगी। ये क्रियाकलाप आप घर पर भी कर सकते हो। जैसे आप देखते हो ना कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपने किताब के अंदर है ना फूल को रख देते, तो वो फूल कुछ टाइम बाद कैसा हो जाता है, एकदम सूखा सा होता है या नहीं होता, तो वैसा आपको ये करना है। जब तक फूल सूख ना जाए इसी तरह दबाइए। देखो मैंने अभी आपको बोला, इसके बाद फूल को ध्यान से देखिए। इन फूलों को किसी कॉपी में चिपका कर स्केप बुक फूल पोथी तैयार कीजिए। उससे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग फूलों को किसी कॉपी में चिपका कर, सुखा कर किसी कॉपी में चिपका कर फूल पोथी, जैसे आपके होमवर्क बुक होती है दूसरी बुक होती है, वैसे आप फूल पोथी तैयार कर सकते हो। और इन सूखे फूलों का आप सुंदर कार्ड बनाकर किसी को दे सकते हो। रतन बगिया में आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। उसने खेत के एक कोने में कुछ लोगों को घास निकालते देखा। वह भी वहां जाकर काम में लग गई। देखो आपको यहां दिखाई दिया, ये क्या कर रहा है, घास निकाल रहा है। तो रतन भी उसके पास चली गई और वहां पर घास निकालने लगी। पता है फिर क्या हुआ, उसके कोमल हाथ घास खींचने की वजह से लाल हो गए। वहाँ घास के साथ साथ कुछ जड़े भी निकल आई। देखो उसने जो घास निकाली उसके साथ साथ क्या हो गई, घास के साथ साथ कुछ जड़ भी बाहर आ गई और उसके हाथ क्या हो गए, लाल हो गए। क्या सभी पौधों में जड़ होती है बताइए, नहीं सभी पौधों में जड़ें सब में होती है, पर किसी में छोटी किसी में बड़ी। अपने आसपास कुछ वृक्ष और पौधों को देखिए और अनुमान लगाए कि उनकी जड़ें कितनी गहराई तक फैली हुई। तो आप देखो ये जो घास है, घास की जड़ें होती सबकी होती है, पर कम गहराई में होती है। जो वृक्ष होता है, बड़े पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें बहुत अधिक गहराई तक होती है। इतने में रतन ने देखा कि रामजी भाई मूली खोद कर निकाल रहे थे। अब मूली कहाँ होती है बेटा, जमीन के अंदर। रतन के पूछने पर रामजी भाई ने बताया कि बेटी यह मूली आप सब खाते हो, सफ़ेद मूली होती है ना, वो किस कहाँ होती है, अंदर। यह भी एक जड़ है। देखो मूली क्या है, जड़ का एक रूपांतरित भाग है जिसको हम खाते हैं। इतने में अचानक बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के साथ बारिश होने के बावजूद खेत के किनारे पर लगे पेड़ वैसे ही खड़े थे। अब देखो आपने देखा कि जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, कितनी भी बारिश हो कितनी भी तेज़ हवा हो, वो वहाँ पर के वहाँ रहते हैं। अंदाज लगाए कि तेज़ हवा के बावजूद भी पेड़ क्यों नहीं गिरे, क्यों नहीं गिरे, क्योंकि वो क्या है, जो मिट्टी थी उससे उनकी जो जड़ें थी वो अधिक गहराई में फैली हुई थी। रतन को स्मरण हुआ कि उसके घर के पास लगे नीम के पेड़ को उसने कई दिनों से पानी नहीं दिया। उसने सोचा कि नीम को पानी कहाँ से मिलता। अब उसको याद आया कि ये नीम को पानी कहाँ से मिलता होगा, तो बेटा ये जो इनके जड़ें होती है ना वो क्या करती है, जमीन के अंदर बारिश आता है तो जमीन के अंदर पानी होता है, उस पानी को सोखती है और अपने अंदर उस पानी की कमी को पूरा करती है। यदि हम उसको कुछ समय तक पानी नहीं दे तो ये जड़ें क्या करती है, पानी को सोखने का कार्य करती है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी सब्जियाँ है, बैंगन है, गाजर है, फिर है ना कैबिज है, मूली है, टमाटर है। अब रतन के मन में कुछ सवाल उठते हैं, ठीक है। अब देखो आपको इसमें से बताना है कि कौन से मूल, तो देखो ये गाजर, ठीक है, फिर ये क्या है, ये जो बीट होता है वो, मूली, ये सब जमीन के अंदर होते हैं, जड़ों से होती है। उसने स्कूल के मकान की दीवार में एक पौधे को उगते देखा। देखो ये स्कूल की दीवार है, वहाँ पर एक पौधा अपने आप उग गया, मतलब ये क्या है, लता है जो किसी के सहारे क्या होती है, ऊपर चढ़ती है। उसे बहुत आश्चर्य, उसने सोचा इस पौधे की जड़ें कितनी गहराई तक जाती होगी, मूल को पानी कहाँ से मिलता होगा। फिर उसने देखा कि ये मेरे स्कूल के ऊपर तक पहुँचे हैं, तो इसको भी पानी कहाँ से मिलता होगा, ये पौधे कितने बड़े होंगे, इस दीवार पर क्या होगा जो इनको वो सब चीज़ें मिलती है। इस प्रकार दीवार की दरार में से पौधे उगते हुए आपने कभी देखा है, हाँ हमने देखा है, जो पुरानी होती है बेटा, आपने देख रखा है जो पुराने घर होते हैं उसमें आप देखते हो ना कि जगह जगह पर पौधे उगाते हैं, क्यों, क्योंकि उस वो क्या करते हैं, वहाँ पर उनको पोषण मिलता है, उनको पानी मिलता है और वो क्या करते हैं, उगना शुरू कर देते हैं। रतन ने खेत के किनारे मेड़ पर एक बहुत बड़ा पेड़ सड़क के की ओर गिरा हुआ देखा। उसने अपने स्कूल का नीम का पेड़ याद आ गया। गिरे हुए पेड़ की कुछ टूटी हुई जड़ें
थोड़ा देख रही थी उसने सोचा, देखो यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ये मेड़ के पास क्या हुआ, एक वृक्ष गिर गया। देखो इसके बाहर इसको हम क्या बोलते हैं, जड़े बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, जड़े बोलते हैं। तो उसको अपने आपने देखा होगा बारिश के टाइम में, आप लोगों ने भी देखा होगा कि यदि पौधा गिर जाता है तो उसकी जड़े कुछ बाहर निकाल देते है ना, निकली हुई होती है या नहीं होती है। इस पेड़ को किसी ने गिराया होगा या स्वयं गिरा। देखो बेटा जब इस तरह की अगर जड़ें निकलती है तो ये कब होता है, जब तेज हवा आंधी तूफान आता है तब। यह पेड़ कितना पुराना होगा, तो ये सालों पुराना होगा। मेड़ पर के पत्थरों के बीच इसे पानी कहाँ से मिलता है, तो इनकी जड़ों से इनको क्या मिलता है, पानी जो भूमि के अंदर होता है। ठीक है, विशेष मूल। आप बरगद के पेड़ पर झूला झूला, देखो अब ये क्या एक तरह की विशेष मूल होती है, कौन से पेड़ पर होती है, बरगद के पेड़ पर। आपने बरगद के पेड़ पर देखा होगा आप लोग झूला खाते हो, जैसे यहाँ बच्चे झूला खाते हैं, झूलने के लिए आपने क्या पकड़ा था, उनकी मूल लटकती डालियाँ। तो वो आपको कैसी लगती थी, ऐसे कड़क कड़क सी और ऐसी होती थी ना, तो ये बरगद का क्या है, मूल है, इसे बरोह कहते हैं। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है बेटा, बरगद में ये जो लताएं होती है, ये जो है ना यहाँ पर मूल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बरोह। क्या कहते हैं, बरोह। यह डालियों में से उगकर जमीन की उतर जाती है, क्या करती है, डालियों में से होती है, देखो नीचे नहीं हो रही है, ऊपर डालियों में से होती हुई नीचे की तरफ आती है। भरूच जिले में स्थित कबीरवड़ बहुत ही बड़ा वृक्ष, अब आपको याद रखना है कि जो ये भरूच जिला है उसमें एक बड़ है, बड़ का वृक्ष है, उसका नाम है कबीरवड़, वो सबसे बड़ा है। उसकी बरोहिया तने जैसी मोटी है जो बरगद के पेड़ को मजबूत आधार प्रदान करती है। अब उसकी ये जो बरोहिया मतलब ये मूल है वो इतनी अधिक है कि वो ठेठ नीचे तक छुई हुई है और इतनी मोटी है कि वो पेड़ को क्या करती है, आधार प्रदान करती है। यह भी याद रखें कि अन्य पेड़ों के समान ही बरगद के पेड़ जड़ें भी होती है जो ज़मीन के अंदर गहराई तक होती है। देखो जड़ें भी होती है और ये जो मूल होते हैं वो ऊपर से भी उनके आते हैं। बरगद के अलावा किसी पेड़ की डालियों में से मूल उगता हुआ देखा है नहीं, तो हमने मूल उसके अलावा देखा नहीं है। अब यहाँ पर है गेहूँ, मूंग, गेहूँ, बाजरा, राई, चना, राजमा के दाने और धुनी हुई रुई। प्रत्येक समूह केवल एक तरह से, देखो अब ये क्रियाकलाप है, अब इसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। इस क्रियाकलाप में आपको एक ग्लास लेना है, उसके अंदर पानी रखना है, उसके ऊपर गीली रुई रखकर उसके ऊपर या तो आप मूंग रखिए, गेहूँ रखिए, बाजरा रखिए, राई रखिए, चना या राजमा, इनमें से आप कुछ भी रख सकते हो भिगो कर उसके ऊपर। अब रबर बैंड की सहायता से देखो यहाँ पर उसने उसको कसकर बांध दिया, और ध्यान रखें कि ये जो रुई है वो सूख ना पाए। 10-12 दिन क्या करना है, आपको क्या करना है, उसका अवलोकन करना है। तो आप जैसे ही अवलोकन करेंगे तो आपको देखना है कि 4वें दिन 8वें दिन आपका क्या है। तो रुई में से आपको देखो कुछ इस तरह की संरचना, मान लो ये मूंग है तो आपको उसके अंदर से कुछ इस तरह की संरचना निकलती हुई दिखाई देगी, जैसे 4वें दिन इतनी निकलती हुई दिखाई देगी, 8वें दिन थोड़ी सी और लंबी निकलती हुई दिखाई दी है ना, 10वें दिन। तो आपको वो अवलोकन करना है। तो ये क्या है, अंकुरित है। जैसे आप अंकुरित अनाज घर पर खाते हो ना, आपके मम्मी पापा आपको अंकुरित अनाज खाने को देते या नहीं देते, वैसे ही आपको क्या करना है, देखना है आप ये क्रियाकलाप अपने घर से कर सकते हो, उसका रंग कैसा है, क्या है, ये सब आप कर सकते हो। तो हम इसको क्या बोलते हैं, बीज का अंकुरित होना। और यही बीज अभी अंकुरित हुआ वैसे ही क्या होता है, जमीन के अंदर अंकुरित होता है और पूरे वृक्ष के अंदर पूरे पौधे में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या उगाया, तो उपयुक्त क्रियाकलाप में आरिफा और रूपाली ने भी किया। उन्होंने नन्ना पौधा उगा हुआ देखा। जब उसने पूछा गया कि उन्होंने क्या उगाया, उगी वस्तु के लिए उनके पास अलग ही युक्ति थी। आरिफा की सूची में पत्ते, निम्बोली, कली, पिल्ला, कील और मछली थे। रूपाली की सूची में चांद, पेड़, मैं, बाल, तरबूज, मच्छर और कौवे थे। आप क्या सोचते हैं, आरिफा और रूपाली की सूची में कौन सी चीज़ उगने लायक है। अब देखो इसके अंदर क्या बोल रहे, कील, मछली, निम्बोली, कली, पत्ते, ये उग सकते। तो निम्बोली क्या होता है, नीम के बीज होते हैं वो उग सकते हैं, हाँ। कली होती है वो उगा सकते हैं हम लोग, इसके अंदर हम पेड़ को तो नहीं उगा सकते, उसके बीज को, हाँ तरबूज के बीज को हम उगा सकते हैं, बाकी चीज़ों को हम उगा सकते हैं, खुद को उगा सकते हैं, मच्छर को उगा सकते हैं, नहीं। तो आपको भी क्या करना है, ऐसी वस्तुओं को यहाँ पर लिखना है जिनको आप उगा सकते हो और क्या कर सकते हो, नहीं उगा सकते हो। जैसे आरिफा और इसने वस्तुएँ जोड़ सकी, वैसे आपको भी क्या करना है, यहाँ पर लिखना है।
आप ऊंचाई, अब देखो क्या समय के साथ साथ आप में भी कुछ बदलाव आया है? हाँ, हमारे समय के साथ साथ हमारी क्या बढ़ती है, हमारी ऊंचाई बढ़ती है, हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे जैसे हमारे, आपने देखा है ना हाथ के नाखून, आप सब देखते हो, मैं आपको अच्छा उदाहरण बताती हूँ, हाथ के नाखून भी हमारे क्या होते हैं, समय समय पर बढ़ते हैं, हम उसको क्या करते हैं, काटते। वैसे ही बेटा जो ये पौधे होते हैं, जो मैंने आपको बताया था पहले ही कि बाग वाला कि ये जो पौधे होते हैं वो भी क्या करते हैं, समय समय पर बढ़ते हैं, हमको क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा थोड़ा काटना पड़ता है। तो बाड़ी वाला आपको समझ में आया बेटा कि हमने क्या देखे, तरह तरह के फूल देखे, उनके बारे में देखा, बाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।